परसेंट प्लस टू में होना चाहिए, 50% उनके अनुसार। 12th में 50% की कंडीशन पूरी नहीं की है, सैलरी रुक गई है, कुछ लोगों की जॉब खतरे में है, उनको नोटिस आ गया है, उनके लिए प्लस टू में 50% की कोई कंडीशन नहीं है इम्प्रूव करने की या उसको प्लस टू होने की। बेरोजगार हो जाएंगे और हम भूखों मरेंगे आगे, तो हम लोग अब इलीगल की कैटेगरी में आ गए हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। लगातार बेरोजगारी जो है वो मुंह बाए खड़ी है, जंतर मंतर पर रेलवे का, फिर आईएएस के एग्ज़ाम वाले छात्र हैं, इधर ऐसे कुछ टीचर हैं जो जिन्होंने ट्रेनिंग ली है बाकायदा, उसके बाद भी उनको डिग्री नहीं मिल रही। क्या है पूरा मामला सर? पूरा मामला ये है सर कि 2017 में केंद्र सरकार ने, शिक्षा मंत्रालय ने एक कोर्स लॉन्च किया था DLED, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, और उसको NIOS को सौंपा था, NIOS को उसको करवाना था। लगभग 12 लाख प्लस टीचर्स जो है इसमें शामिल हुए पूरे देश से, इन सर्विस टीचर्स के लिए था ये डिप्लोमा। उसके बाद 2 साल तक हम लोगों ने ये सारा कोर्स किया और हम लोग पास हो गए, रिजल्ट आ गया, लेकिन लगभग 2 लाख टीचर्स जो हैं उनका रिजल्ट में NC लगा दिया गया, नॉट सर्टिफाइड। तो हम लोगों ने पूछा भी ये क्यों लगाया, बोले जी आप लोगों ने 12th में 50% की कंडीशन पूरी नहीं की है। तो इसमें जो इन्होंने प्रोग्राम गाइड लॉन्च किया था आज से 2017 में, उसमें क्लियर मेंशन है प्रोग्राम गाइड के अंदर, जो ग्रेजुएट टीचर्स हैं उनके लिए प्लस टू में 50% की कोई कंडीशन नहीं है इम्प्रूव करने की या उसको प्लस टू होने की कोई कंडीशन नहीं है। तो फिर हम लोगों ने उसी हिसाब से फॉर्म भरा था, लेकिन अब वो कहते हैं कि नहीं, हमने तो बाद में जो है सर्कुलर जारी कर दिया था, हमने बाद में सर्कुलर जारी कर दिया था कि आपको ये करना है, ठीक है। तो अब वो वाली प्रॉब्लम हम लोग फेस कर रहे हैं, उन्होंने उस ये कंडीशन लगाकर बाद में प्रोग्राम गाइड्स में नहीं थी, उसके बाद एक्स्ट्रा बाद में लगा दी, और अब हम लोग वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, हमें जो है ना सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जा रहा पिछले 2.5 साल से। उसमें कितने लोगों को नहीं सर्टिफिकेट मिला? हाँ, 180,000 से भी प्लस हम लोग टीचर्स हैं पूरे देश से। तो अब हम लोग यहाँ उसी लिए प्रदर्शन करने के लिए बैठे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय शिक्षा मंत्री जी से विनम्र निवेदन हम लोग कर रहे हैं कि भाई हमारा इस पर विचार करिए, हम लोगों इसमें से कई लोगों का जो है वो सैलरी रुक गई है, कुछ लोगों की जॉब खतरे में है, उनको नोटिस आ गया है, क्योंकि RTE एक्ट के तहत 2019 मार्च के बाद कोई भी टीचर, कोई भी जो टीचर क्वालिफाइड नहीं है, प्रोफेशनली क्वालिफाइड नहीं है, वो टीच नहीं कर सकता, वो इलीगल है उसका टीच करना। तो हम लोग अब इलीगल की कैटेगरी में आ गए हैं, सब कुछ हमारा सरकारी नौकरी करने वाले भी इलीगल हो गए हैं, सरकारी नौकरी वाले भी इलीगल हो गए हैं, उनकी सैलरीज रुकी हुई हैं, उनको नोटिस आ गए हैं कि भैया आप जो है आपको हम जो है ना बाहर करेंगे। कितने लोग बाहर हो जाएंगे जो जॉब में होंगे? सभी बाहर होंगे सर, लगभग 1,80,000 लोग जॉब में है वो बाहर हो जाएंगे। बिल्कुल 1,80,000 लोग सभी बाहर होंगे, क्योंकि सभी वैलिड नहीं है, इनवैलिड हो गए सभी बाहर होंगे फिर। तो आप लोग तो संख्या बहुत कम है, आप लोग प्रदर्शन ये कोविड के कारण से हमारे को परमिशन जंतर मंतर पर, जब हम लोगों ने सारा ये वहाँ से रिक्वेस्ट भेजा इनके पास पुलिस के पास, उन्होंने कहा कि भैया यहाँ कोविड प्रोटोकॉल है, आप 20-25 से ज़्यादा यहाँ नहीं आ सकते। मतलब 1,80,000 लोगों की नौकरियाँ उल्टी अब चली जाएगी? बिल्कुल 1,80,000 लोगों की नौकरियाँ पूरी खतरे में हैं इस समय, और बिल्कुल चली जाएंगी, हम लोग बेरोजगार हो जाएंगे और हम भूखों मरेंगे आगे। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि हमें सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाए। आप लोगों ने ट्रेनिंग ली है? पूरा ट्रेनिंग ले ली सर, 2017 से 19 में हमने ट्रेनिंग ली है, दो साल की ट्रेनिंग ली है, हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, हम डॉक्यूमेंट्स दिखा सकते हैं, सब कुछ है हमारे पास। तो सरकार तो कहेगी ना कि हम बेहतर शिक्षा गुणवत्ता करना चाहते हैं, इसलिए जरूरी है कि आप हाईली एजुकेटेड हो। हाँ सर, तो प्रोग्राम गाइड में जो एलिजिबिलिटी कंडीशन मेंशन की गई उसी को ही फॉलो करेगी ना गवर्नमेंट। बात था क्या था, ग्रेजुएट्स के लिए 50% की कोई कंडीशन नहीं है उसमें, मतलब ग्रेजुएट होना चाहिए, लेकिन उसके बाद इन्होंने कहा कि आप 50% इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या था कि हम लोग कोई 20 साल किया हुआ है प्लस टू किए हुए, किसी को 25 साल हो गया प्लस टू किए हुए, किसी के पास प्लस टू में मेडिकल था, साइंस था, बाद में जो है वो आर्ट्स ले लिया उसने ग्रेजुएशन में, अब इतने सालों के बाद आप बताइए कि हम प्लस टू इम्प्रूव करें हम इतने सालों के बाद, कहना है कि ग्रेजुएशन हो और वो 50% से ऊपर मार्क्स हो वही टीचर बन सकते। प्लस टू में होना चाहिए 50% उनके अनुसार, प्लस टू में होना चाहिए,
ठीक है, लेकिन हमने बताया कि उनकी प्रोग्राम गाइड में क्लियर मेंशन है ग्रेजुएशन वालों के लिए ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी। ये कब कंडीशन लगाया इन्होंने? 2017 में जब इसको लॉन्च किया प्रोग्राम को, उसी समय प्रोग्राम गाइड लॉन्च हुई थी। अच्छा जी, तो 1,80,000 लोग चपेट में आए, चपेट में आए, आ चुके हैं उसमें। सर हम लोग बेसिकली बिहार से हैं, सर का प्रॉब्लम एनसी का है और सेम वही कोर्स हुआ, उसमें 4 अलग अलग तरीके से लोगों को सर्टिफिकेट इशू करने से रोका गया। पहला तो एनसी लगाया गया जिसका 12th में 50% से कम मार्क्स था, कुछ ऐसे हो गए जिन्होंने परीक्षा दिया और फेल कर गए तो उनके लिए वापस से परीक्षा नहीं ली गई। जैसे फेल कर गया तो गया नहीं, इम्प्रूवमेंट होता है ना सर, इम्प्रूवमेंट का परीक्षा वो नहीं, टीचर फेल कर जा रहा है। ओके, सप्लीमेंट्री। दूसरा क्या हुआ कि किन्हीं को एब्सेंट दिखा दिया जबकि वो प्रेजेंट है, उन्होंने अपना लबुल हुआ भी है कि अगर सरकार की ये पॉलिसी रही तो 1,80,000 लोगों की नौकरी जा सकती है। और लोग सर बाद में परसेंट भी बना चुके हैं, जो 50% के लिए बोला था तो वो भी पूरा कर चुके हैं, 50+ भी हो चुके हैं। तो देखिए मेरा कोशिश ये है कि बेरोजगारी कितना बड़ा मुद्दा है ये समझिए, हर स्तर पे लोग परेशान हैं। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।